कलंक का ट्रेलर हुआ लॉन्च। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म कलंक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में वरुण, आलिया और सोनाक्षी आदित्य का जबरदस्त लव ट्रायंगल दिखाया जा रहा है। ट्रेलर में शादीशुदा होने के बावजूद आदित्य आलिया से दूसरी शादी करते हैं। ट्रेलर में माधुरी दीक्षित से लेकर संजय दत्त सभी बड़े कलाकारों की झलक नजर आती है। कलंक का ट्रेलर 2 मिनट 11 सेकंड का है। इसकी शुरुआत में आलिया बताती है कि उनके गुस्से में लिए गए एक फैसले ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो इसमें आदित्य रॉय कपूर से शादी करती हैं, जो पहले सत्या यानी कि सोनाक्षी के पति हैं। फिर आलिया और वरुण की लव स्टोरी भी दिखाई जाती है। आपको बता दें कि फिल्म में करण जौहर ने बहुत ही खूबसूरती से 1940 की लव स्टोरी को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि करण जौहर इस प्यारी सी लव स्टोरी को बड़े पर्दे पर खूबसूरती से उतारने में काफी हद तक कामयाब भी साबित हुए हैं। वरुण और आलिया भट्ट ने अभी तक जितनी भी फिल्मों में साथ काम किया है, उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया है और एक बार फिर से अपनी शानदार केमिस्ट्री से वो लोगों का दिल जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। हालांकि कलंक के ट्रेलर में दोनों का एकदम अलग हटकर अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार भी है। अभिषेक वर्मन के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को 17 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। करण जौहर और साजिद नारियालवाला इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। कलंक के ट्रेलर की वैसे काफी तारीफ भी की जा रही है। फिल्म के म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर और इसके VFX की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कलंक के फैंस। अब देखना ये होगा कि जब ये मूवी रिलीज होती है तो फैंस इसको कितना पसंद करते हैं।